हेलो एवरीवन, चलिए देखिए इस वीडियो में क्लास 10 की फिजिक्स का लेसन 2 का टॉपिक कौन सी पढ़ने वाले हैं, किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण, ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम की हेल्प से क्या करना है, प्रतिबिंब का निरूपण करना। ठीक है, देखिए क्या होता है, किसी वस्तु का गोलीय दर्पण द्वारा बनाने के लिए निम्नलिखित तीन नियम है। ठीक है, क्या है, पहला देखिए, इसके जो है किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण, इसके कितने नियम है, तीन नियम है। तो क्या लिखेंगे, किसी वस्तु का गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब बनाने के लिए निम्नलिखित कितने नियम है, तीन नियम है। ठीक है, इसके कितने नियम है, तीन नियम है। अब देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए, मतलब कि प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए इनमें से किन्हीं दो नियमों का प्रयोग किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि लिख लेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए करने के लिए इनमें से किन्हीं दो नियमों का प्रयोग किया जाता है समझ रहे ना, प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए इनमें से किन्हीं दो नियमों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए, किसी वस्तु का गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए निम्नलिखित तीन नियम है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए इनमें से किन्हीं दो नियम का प्रयोग किया जाता है। पहला नियम देखिए, हेडिंग डाल लेंगे प्रथम नियम। इसको देखिए इंग्लिश में क्या कहेंगे, फर्स्ट रूल। देखिए फर्स्ट रूल, ठीक है, फर्स्ट रूल क्या होता है, मान ये देखिए दोनों यहाँ पे मिरर में बता रहे, फर्स्ट रूल, एक का अवतल दर्पण है एक उत्तल दर्पण, ये मान लीजिए कौन सा दर्पण हो गया, अवतल ले लीजिए, अवतल दर्पण है, दूसरा ये बना लीजिए उत्तल दर्पण। ठीक है, कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण, ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष हो जाएगी, इसकी भी ये मुख्य अक्ष हो जाएगी, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। ठीक है, ये क्या है, ध्रुव है। ठीक है, ये ध्रुव है, इसका ये क्या है, सी है, वक्रता केंद्र है, इसका ये क्या है, सी है, ये वक्रता केंद्र है, और ये क्या है, मुख्य फोकस है, ये भी इसका क्या है, मुख्य फोकस है। ठीक है, तो देखिए पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम यही कहता है कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, क्या कहेंगे, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष तो यही है। ठीक है, दर्पण की क्या हो रहा, मुख्य अक्ष के समांतर, इसमें भी लेकर आइए, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, दर्पण के मुख्य, पहला नियम बता रहे, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या कहेंगे, या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, इसमें क्या कहेंगे, या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, तो यही क्या रहेगा, ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, ये क्या था, ये पहला नियम था। पहला नियम क्या था, फिर से बताया, देखिए दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ये दर्पण है, दर्पण की ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जो है ये क्या होती है, परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से
जाती है। और इसमें क्या कहेंगे, जो उत्तल दर्पण है इसमें मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ये क्या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, अब देखिए दूसरा नियम क्या है, हेडिंग डालेंगे द्वितीय नियम, द्वितीय नियम। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, सेकंड रूल, सेकंड रूल। अब सेम इसी में, इसमें भी क्या करेंगे, दो आप ये दर्पण बना लेंगे, एक अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, ये उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है, दिख रहा ना, ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। दूसरा देखिए ये है, इसमें ये बना लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा, F हो जाएगा और ये C हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा, इसका भी ये ध्रुव हो जाएगा और ये मुख्य फोकस हो जाएगा और ये C हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी देखिए क्या कहेंगे, दर्पण की मुख्य फोकस से जाने वाली, ठीक है, दर्पण की मुख्य फोकस से जाने वाली, ठीक है, क्या कहेंगे, दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर, इसमें क्या कहेंगे, या मुख्य फोकस की ओर, एक मिनट, या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली। इसमें भी देखिए क्या है, अवतल में भी क्या है, देखिए दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, सॉरी इसमें देखिए क्या, दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण। अब इसमें क्या कहेंगे, इसमें ये हो जाएगा, या फिर करके लिख लीजिएगा, दर्पण की मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, मुख्य फोकस की ओर, ये क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, मतलब कि ये क्या लगेगा, कि लगेगा कि ये ऐसे जा रही है। ठीक है, परावर्तन के पश्चात ये क्या हो जाती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती, ये भी क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ठीक है, तो दूसरा नियम यही था, दूसरा नियम क्या था, पहले देखिए ये कौन सा है, अवतल के लिए बता रहे हैं, दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, ठीक है, दर्पण की मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। अब इसमें क्या बताएंगे, इसमें यही बताएंगे कि दर्पण की मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, क्या है, दर्पण की मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ठीक है, तो ये दो नियम हो गया, ये क्या, ये समांतर है, ये भी क्या समझेंगे, ये दोनों समांतर जा रही है। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम ये कहेंगे तृतीय नियम, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, थर्ड रूल, थर्ड रूल। ठीक है, थर्ड रूल क्या है, इसमें भी क्या करेंगे, ये दर्पण बना लेंगे, अवतल दर्पण है ये, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, अवतल हो गया ये, उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, इसका P हो गया, ठीक है, यहाँ पे मुख्य फोकस हो गया और ये C हो गया, ठीक है, वक्रता केंद्र हो गया। इसमें भी क्या हो गया, P हो गया, ये क्या हो गया, F हो गया और ये क्या हो गया, C हो गया, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ये ध्रुव। अब देखिए थर्ड रूल में क्या कहते हैं, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली, ठीक है, पहला देखिए वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, अगर कोई भी प्रकाश क्या किरण है वक्रता केंद्र से होकर के गुजर रही है, ये वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण, या फिर अब इसमें क्या कहेंगे, उत्तल में क्या कह देंगे, वक्रता केंद्र की ओर आने वाली, मतलब ये वक्रता केंद्र है ना, इसी की ओर आने वाली, ये आ रही है, ठीक है, इसको कैसे डॉट डॉट से प्रदर्शित करेंगे कि वक्रता केंद्र से आने वाली। ठीक है, प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस हो जाती है, मतलब कि क्या हो जाएगा, परावर्तन के पश्चात ये अपने ही मार्ग में क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये वापस जैसे आ रहेगी वैसे चली जाएगी,
मतलब कि वक्रता केंद्र से अगर प्रकाश की किरण होकर के गुजरती है तो अपने मार्ग में क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। तो यही देखिए क्या थे, तीन नियम थे। तीनों नियम में से क्या करेंगे, केवल दो का उपयोग करके क्या किया जा सकता है, प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, पहला देखिए क्या था, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा, फोकस से अगर गुजर रही है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा, अगर क्या है ये सी वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो वो पुनः अपने मार्ग में वापस लौट आएगी। ठीक है, तो ये क्या थे, इसके तीन नियम थे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे हेडिंग डाल लीजिएगा, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। हाँ ठीक है, हमने हेडिंग डाल लिया, क्या गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। अब देखिए दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं। ठीक है, मतलब कि गोलीय दर्पण के दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। तो पहला अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है, उत्तल होता है, उसको भी बाद में सीखेंगे। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर, तो ये देखिए सीखेंगे। तो देखिए क्या होता है, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति आकार और प्राकृतिक दर्पण व वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। मतलब कि जो दर्पण है और उसके वस्तु है उसके बीच की दूरी पर निर्भर करता है कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, उसकी स्थित आकार और प्राकृतिक दर्पण व वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की स्थिति आकार और प्राकृतिक का विवरण क्या हो जाएगा, निम्नलिखित होगा। तो पहला देखिए क्या हो जाएगा, जब वस्तु कहां पर होती है, अनंत दूरी पर स्थित होती है। मान लीजिए क्या है, ये दर्पण है। ठीक है, कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, अब वस्तु कहां पर स्थित कर रहे हैं, अनंत पे स्थित कर दे रहे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, एफ है, मुख्य फोकस है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, अब वस्तु को मान लीजिए, ये मैंने वस्तु यहां पे अनंत दूरी पर स्थित कर दिया, ये क्या ए है और ये क्या है, ये बी है। ये दोनों क्या है, ये वस्तु ए बी क्या है, ये वस्तु, ये कहां पे है, इस दर्पण से अनंत दूरी पर स्थित है। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब इसके लिए जो प्रतिबिंब रहेगा कहां पर बनेगा। ठीक है, पहला समझ गए कहां पे, वस्तु कहां पर है, अनंत दूरी पर है। तो देखिए क्या कर रहे, दो वस्तु के शीर्ष से, ये जो वस्तु है, वस्तु के शीर्ष से दो किरण परस्पर समांतर आती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी। ठीक है, यहां से देखिए क्या होंगी, दो परस्पर समांतर किरण आती हुई प्रतीत होंगी। दोनों किरण देखिए ये समांतर रहेंगी, ज्यादा दूरी पर है तो इसलिए ये थोड़ा छोटा ही बना लीजिए, कहा कि ये अनंत पर रहेगा। ये क्या हो जाएगा, इसका एफ हो जाएगा, ये इसका सी हो जाएगा। एक मिनट, ये एफ हो जाएगा, एफ हो गया, ये सी हो गया। तो देखिए वस्तु के शीर्ष से दो परस्पर समांतर आती हुई, ठीक है, आती हुई दर्पण पर किरण क्या होती है, आपतित होती है। यहां पे परस्पर क्या होंगी, समांतर आती हुई ये किरण आती हैं और एक ये भी आएगी। तो देखिए ये आ रही है, एफ से गुजर रही है तो कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होकर के गुजरेगी। दूसरा देखिए कहां से जाएगी, दूसरी वाली भी ये इसके समांतर आ रही है, मतलब कि ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जो प्रतिबिंब रहेगा यहां पे काटेगी। ठीक है, दो आएगी तो ये दोनों समांतर रहेंगी, ये दोनों किरणें कैसी रहेंगी, ये समांतर रहेंगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ पर क्या हो जाएगा, ये प्रतिबिंब बन जाएगा। ये क्या है, ए डैश है, ये बी डैश है, तो ये क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा, ये ए डैश, ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए सी से होकर के प्रकाश की किरण आ रही है तो ये इसी मार्ग में पुनः वापिस चली जाएगी। ठीक है, तो पहले देखिए इसको कैसे अब लिखेंगे। ठीक है, मतलब कि कॉपी में कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए क्या है, वस्तु के शीर्ष से दो किरणें परस्पर समांतर आती हुई दर्पण पर आपतित होती हैं। वस्तु के शीर्ष से दो समांतर किरणें दर्पण पर क्या होती है, आती हुई, सॉरी आपतित आती हुई क्या होती है,
दर्पण पर आपतित होती हैं, ठीक है। एक किरण क्या होती है, एफ से होकर के गुजरती है, ठीक है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, और दूसरी जो किरण रहती है वो वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है, परावर्तन के पश्चात क्या होती है, अपने वाम मार्ग में क्या हो जाती है, वो पुनः लौट जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो ये दोनों परिवर्तन किरणें फोकस तल के बिंदु ए पर मिलती हैं, मतलब कि यहाँ पे देखिए मिलती है। तो अब देखिए इस प्रकार अनंत तथा अनंत पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा इसकी स्थिति बताना है। प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वस्तु से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिख दे रहे हैं प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा और कैसा होगा, वस्तु से छोटा हो गया, ठीक है, और कैसा बनेगा, यहां पे उल्टा बनेगा, उल्टा होगा, ठीक है, और प्रतिबिंब कैसा होगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा, कहें कि इस साइड बन रहा ना, तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक बनेगा। दोनों किरण काट रही है तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वस्तु से छोटा होगा, उल्टा होगा, और कहां पर बनेगा, ये फोकस पर बनेगा, ठीक है, क्या होगा, दर्पण के फोकस तल में प्राप्त होगा, मतलब कि क्या कहते हैं, फोकस पर ये जो बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये इसका क्या लिख सकते हैं, ये अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है और फोकस पर बनता है, ठीक है, ये समझ गए। अब चलिए ठीक है, दूसरी वाली हेडिंग डाल लीजिए, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। चलिए ठीक है, दूसरी हेडिंग डालिए, क्या है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, ठीक है। मान लीजिए ये दर्पण हो गया, ठीक है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण का बना रहे हैं, ठीक है, पहले ये क्या हो गया, फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, मतलब कि जो वस्तु है ये अनंत और क्या किसके बीच में हो, इस वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ये वस्तु है, ठीक है, अब देखिए क्या होगी, जो वस्तु है वस्तु के शीर्ष से, ठीक है, वस्तु के शीर्ष से एक है, क्या होगी, वस्तु के शीर्ष से एक किरण, ठीक है ना, एक किरण क्या होगी, इस दर्पण पर आपतित होगी और परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, एफ से गुजरेगी, ये तो नियम जानते हैं, यही होता है, ठीक है ना, और तथा दूसरी किरण क्या होगी, वक्रता केंद्र से होकर के जाती, दूसरी किरण कहां से जाएगी, दूसरी किरण ये वक्रता केंद्र से होकर के गुजरेगी, ये क्या हो गया, इसका वक्रता केंद्र है, तो ये बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, एक मिनट ये देखिए इसमें सही नहीं बन रहा है, ये वक्रता केंद्र मान लीजिए यहां पे कर लीजिए, ठीक है, फिगर फिर से बना रहे हैं, एफ हो गया दूसरा, एफ से होकर के गुजर रही है, यहां पे मान लीजिए ये वस्तु यहां पे है, ठीक है, ए बी है और ये इसका क्या है, वक्रता केंद्र है, ठीक है, सी है, तो पहला तो ये समांतर गई थी, ए हो गया, ये बी हो गया, दूसरा कहां से गुजरेगी, ये तो इससे जा रही है, दूसरा देखिए क्या, वक्रता केंद्र से जब होकर के जाएगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, पुनः अपने मार्ग में वापस हो जाएगी, और ये दोनों कहां पे मिल रही है, यहां पे मिल रही है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, तो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा और ये ए डैश हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है, तो इसको कैसे बताएंगे, तो यहां पे देखिए बताएंगे, वस्तु के शीर्ष से, वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, ठीक है, आपतित किरण परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है, तो दूसरी किरण क्या करेंगे, दूसरी किरण वक्रता केंद्र सी से होकर, ठीक है, सी से होकर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। दोनों परिवर्तन किरणों के
फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच ए डैश पर मिलती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिलती है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है सर। ये क्या हो जाएगा, ए डैश ये ऊपर हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा, यही इसका प्रतिबिंब रहेगा। अब देखिए इसके इसका बताना है कि ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। देखिए आप कह सकते हैं कि अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, वास्तविक वास्तविक होता है। और कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और कैसा हो जाएगा, वस्तु से छोटा हो जाएगा, वस्तु से छोटा, ठीक है। और देखिए कैसा बता सकते हैं, और कहां पे देखिए बनेगा, दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच पे बनेगा, कहां पे बनेगा, दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच पे बनेगा, क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा F के बीच, मतलब कि फोकस के बीच बनेगा, फोकस के बीच बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दूसरी स्थित हो गई। अब चलिए तीसरी स्थित हेडिंग डाल लीजिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तीसरा क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ठीक है। दूसरा देखिए ये लिख लिया, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, मतलब कि ये सी पर क्या है, कोई वस्तु स्थित है, ठीक है। ये मान लीजिए ए है और ये बी है, ठीक है। तो देखिए ए बिंदु से क्या होगी, कोई प्रकाश की किरण आपतित होगी, ठीक है। कहां पर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और एफ से होकर के गुजरेगी, ठीक है। अब दूसरी जो किरण रहेगी वो कहां से जाएगी, ये ऐसे जाएगी, इसको देखिए ऐसे सेम लेकर के आइएगा, दूसरी वाली किरण जाएगी ये एफ से होकर के गुजरेगी, ठीक है, मीन्स मुख्य अक्ष से होकर के गुजरेगी और सॉरी फोकस से होकर के गुजरेगी और मुख्य अक्ष के समांतर ये चली जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं ये यहाँ पे आकर के मिलती है, ये इसको सही से बना लेंगे तो कुछ ऐसे आएगा, और ये जो है ये यहाँ पे आकर के ये मिलेगी यहीं पे, देखिए ये काटेगी सी पर ही, ठीक है, ऐसे बनेगा। तो देखिए क्या होता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वस्तु के शीर्ष से आपतित किरण, ठीक है, पहले आपतित किरण क्या जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, पहली वाली किरण जाएगी और ये मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी, और दूसरी किरण क्या होगी, फोकस से होकर के जाएगी और मुख्य अक्ष के समांतर ये परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो रहेगा यही क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा, ए डैश ये बी डैश क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब होगा। अब देखिए इसका क्या कह सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब रहता है नीचे मर रहा तो क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मतलब कि ये जो ए बी है, ये ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि इसका जो प्रतिबिंब वस्तु का जितना रहेगा और इसका भी क्या हो जाएगा, ये बराबर बनेगा, ठीक है, वस्तु के बराबर बनेगा, क्या लिख सकते हैं, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब की क्या रहेगी, साइज रहेगी, बराबर रहेगी। अब देखिए क्या होगा, उल्टा बनेगा, नीचे बन रहा है तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और देखिए कहां पर प्राप्त होगा ये प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगा, इसको क्या लिख देंगे, वक्रता, वक्रता केंद्र पर प्राप्त होगा, प्राप्त होगा, ठीक है, वक्रता केंद्र पर प्राप्त होगा। तो ये क्या हो जाएगी, ये तीसरी कंडीशन हो गई, ठीक है। जब वस्तु कहां पर रहती है, वक्रता केंद्र पर रहती है, तो इसका प्रतिबिंब भी कहां पर बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है। और चलिए अब चौथा ये डाल लीजिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, कहां पे हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, ठीक है, ये डालिए हेडिंग, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। तो इसमें देखिए क्या हो गया, इसमें क्या होगी, वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण, ठीक है, परावर्तन के पश्चात
ये क्या होगी, मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी और दूसरी किरण मुख्य फोकस से, दूसरी किरण क्या होगी मुख्य फोकस से जाएगी, ठीक है ना, मुख्य फोकस से गुजरकर दर्पण पर आपतित होती है, ठीक है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर ये चली जाती है। तो पहला क्या हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर गई और F से होकर के ये चली आई इधर, ठीक है। दूसरी किरण F से क्या हो, ये आपतित होती है परावर्तन के पश्चात, ये इसके मुख्य अक्ष के समांतर ये चली जाती है, ठीक है। तो प्रतिबिंब ये क्या बनेगा आपका, इस साइड बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब यही बनेगा ना, ये जा रही है और ये तो इसके समांतर जाएगी, ये जो किरण रहेगी इसके समांतर जाएगी और ये इस साइड आ रही है, तो यही प्रतिबिंब हो जाएगी, ये ए डैश हो जाएगा और ये बी डैश हो जाएगा। प्रतिबिंब में देखिए क्या बनेगा, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, ये भी वास्तविक है, उल्टा हो जाएगा और कैसा हो जाएगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा, वस्तु छोटा है, प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। और देखिए क्या हो जाएगा, कहां पे बनेगा, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगा, कहां बनेगा, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, अनंत के बीच ये बनेगा, ठीक है, ये समझ गए, ठीक है। तो चलिए अगली हेडिंग डाल लीजिए, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, चलिए ठीक है, देखिए क्या हेडिंग डालिए, जब वस्तु क्या हो, मुख्य फोकस पर स्थित हो, ठीक है। तो ये देखिए क्या, वस्तु कहां पे है, मुख्य फोकस पर स्थित है, तो इसमें क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली क्या आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के क्या होगी, मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी, मतलब ये पहला इसके समांतर जा रही है तो ये क्या होगी, यहीं से गुजर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी, ठीक है। तो देखिए दूसरी क्या हो जाए, तथा दूसरी किरण जो पीछे बढ़ाने पर, दूसरी किरण को क्या कर रहे हैं, पीछे बढ़ाने पर क्या होती है, वक्रता केंद्र से गुजरती है, ठीक है, मीन्स ये किरण है, इसको क्या करते हैं, ये पीछे बढ़ाने पर ये कहां से गुजर रही है, वक्रता केंद्र से गुजरती है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ऐसे गुजरती है, तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस क्या हो जाती है, ये लौट जाती है, ये दोनों क्या होती है परस्पर, ये अनंत पर जाकर के मिलती हैं किरणें। तो देखिए मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, नीचे बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए क्या हो जाएगा, कहां पे बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़े बनेगा, उल्टा बनेगा और क्या हो जाएगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। और देखिए कहां पर बनेगा, ये अनंत पर जाकर के बनेगा, अनंत पर जाकर के प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो और देखिए एक और स्थिति बची है, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, ठीक है, देखिए लास्ट वाला, ठीक है, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, ठीक है। तो देखिए जो मैं बोल रहा हूं इसको आप लोग लिख लीजिएगा, देखिए इसमें देखिए पहला, देखिए वस्तु के शीर्ष से, वस्तु के शीर्ष से समांतर चलने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी, मतलब कि ये पहले वाली किरण यहां से जाएगी, ये क्या हो जाएगी, एफ से होकर के गुजर जाएगी, पहला ये समझ गए, ठीक है। तथा दूसरी किरण दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है, दर्पण पर क्या होती है, अभिलंबवत आपतित होती है, जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट जाती है, दर्पण पर क्या होगी, ये अभिलंबवत होगी और परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, उसी मार्ग पर लौट जाएगी, इसको ऐसे देखिए बनाना था कुछ, हाँ ऐसे बनेगा, ये मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु हो गया तो ये हो गया, ठीक है, ये इसी मार्ग पर क्या हो जा रही है, लौट जा रही है। तो ये देखिए दूसरी किरण है, दूसरी किरण के लिए क्या लिखेंगे, दूसरी किरण दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है, अभिलंबवत क्या हुई, आपतित हुई, ठीक है, जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट जाती है। ये दोनों किरणें वास्तव में कहीं नहीं मिलती, मतलब कि वास्तव में मिलाएंगे, ये दोनों कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है, किंतु क्या होती है, परंतु क्या कह सकते हैं, दर्पण के पीछे बढ़ाए जाने पर ये क्या हो जाएंगी, ये कहीं ना कहीं पे मिल जाएंगी, ये किरण दोनों को क्या करेंगी, कहीं ना कहीं पीछे जब इनको मिलाते हैं तो, पीछे मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे मान लीजिए ये मिल जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगी, ये बी डैश हो जाएगी, यही इनका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा,
आभासी हो जाएगा, आभासी हो जाएगा और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और क्या हो जाएगा, दर्पण के, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, किधर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो ये सब देखिए क्या थी, ये सब इतनी कंडीशंस थी जैसे जैसे ये बनते हैं। ठीक है, इमेज जैसा बनता है, तो चलिए देखिए एक बार शॉर्ट सिनेरियो यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, मतलब कि कैसे कैसे बना हुआ है। देखिए पहला देखिए क्या है, जब वस्तु कहां पर होती है, अनंत पर होती है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर बनती है, ये फोकस तल में होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक होता, उल्टा होता तथा वस्तु से छोटा होता, किरण आरेख है। मतलब कि ये देखिए ये क्या है, ऊपर एक वस्तु के ए पॉइंट से दोनों समांतर आती हैं। ठीक है, एक बी पर, एक बी से जाती है और ये सी से जाती, सॉरी एक एफ से गुजरती है और एक सी से, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है और ये जो प्रतिबिंब ये कहां बनता है, एफ पर बनता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या पड़े, अनंत तथा वक्रता केंद्र पर जब वस्तु होती है तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ठीक है, इसकी देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक होता, उल्टा होता तथा वस्तु से छोटा होता है। तो ये देखिए क्या, किरण आरेख है। ठीक है, जब क्या वस्तु ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है तो यहाँ पे बनता। ठीक है, और देखिए तीसरा ये हमने देखा वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र पर है, प्रतिबिंब भी कहां पर बनता, वक्रता केंद्र पर बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती, वास्तविक होता, उल्टा होता तथा वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या किरण आरेख है, पहले किरण समांतर जाए मुख्य अक्ष के, दूसरी एफ से होकर के गुजरती है, तो यहाँ पे दोनों मिलती हैं। तीसरा देखिए कंडीशन था वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, प्रतिबिंब कहां पर बनता था, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच है। प्रतिबिंब की स्थिति है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु बड़ा होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जब वस्तु रहती है, मतलब ये सी और एफ के बीच रहती है तो अनंत और सी के बीच बनता है। देखिए फोकस पर जब रहती है वस्तु तो इमेज कहां पर बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। प्राकृतिक कैसी होती है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु बहुत बड़ा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका किरण आरेख था। और देखिए लास्ट है मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच। ठीक है, दर्पण के पीछे अनंत तथा ध्रुव के बीच बनता है। ठीक है, और देखिए आभासी होता है, सीधा तथा वस्तु बड़ा होता है। ये क्या हो जाएगा, किरण आरेख इसका था। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। केवल क्या है, पहला हमने सीखा क्या है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ओके ओके, थैंक यू। अगर देखिए कुछ भी कहीं समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा। ओके, और कहीं भी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया होगा उसको सही कर लीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू।